हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और नया साल भी शुरू हो ही चुका है, तो आशा करती हूँ सभी लोगों का नया साल अच्छा हो। और अभी हम भी अच्छे ही हैं, बस बच्चों को भी और मुझे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया है क्योंकि ठंडी ऐसा पड़ रहा है। तो अभी देखिए सुबह का 6 बज गया है और देर भी हो गया है, मैं मतलब देर ही हो जाता है, ठंडा है ना, तो 6 बज गया है उठते उठते। तो अभी उठने के साथ ही मैं सुबह का जो काम है वो कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर और है, सुबह इतना सारा काम होता है ना, जल्दी जल्दी नहीं करने का मतलब कर ही नहीं सकती जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो ठंड में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ इस यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा आता है और शीत का जो मतलब कोहरे का जो पानी होता है ना वो भी आता है बहुत ज़्यादा, अंदर तक ही आ जाता है, देखा ही है आप सबने। तो इसी वजह से शायद कुछ ज़्यादा ही ठंड आ जाता है। दरवाज़ा बंद करके रखते हैं ना फिर तभी थोड़ा राहत मिलता है, अब हर वक्त तो दरवाज़ा बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो देखिए गंदे कपड़े इधर उधर रख दिए थे मैंने कल रात को, तो वो सब इकट्ठा करके सब झाड़ू भी लगा रही हूँ और झाड़ू लगा के फिर बर्तन भी धोने हैं। रात को मैं बर्तन नहीं धोती क्योंकि बहुत दूर हो जाता है और उधर लाइट भी नहीं है और ठंड भी तो है बहुत ही, फिर भी धोया जा सकता है पर लाइट नहीं है एक तो, और ध्रुव तो अकेला रह सकता है पर पाही नहीं मानती ना रात को, तो मुझे ही देखना पड़ता है। तो बर्तन धोने में तो लग ही जाता है 10-15 मिनट टाइम, तो इसीलिए मैं नहीं धोती, सुबह ही धोती हूँ। तो इसी वजह से मेरा सुबह बर्तन धोना भी रह जाता है। तो अभी देखिए झाड़ू लगा रही हूँ और अभी सो ही रहे हैं ध्रुव, पाही सब सो रहे हैं, उसके पापा भी सो ही रहे हैं। अभी मैं तो उठ गई क्योंकि मुझे तो काम है, तो अभी मतलब बड़ा ही करना आया ध्रुव को पर वो अभी उठ ही नहीं रहा है, ठंड के मारे ना उठ ही नहीं रहा है, थोड़ी तो देर बाद में उठेगा, उठ के पढ़ाई करेगा, रात को कर लेता है जो जितना भी होमवर्क वगैरह होता है। तो देखिए मैं कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ, इधर उधर फैला हुआ था, ये गंदे कपड़े हैं धोने वाले, इनको यहीं पे रख दे रही हूँ, मतलब कहाँ कहाँ घुसा देती है पाही ना, इधर उधर रख देती है, छोटा सा ही तो जगह है तो मतलब बिस्तर के नीचे टेबल के नीचे ऐसे डाल देती है, तो उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के ना जमा करके रखना पड़ता है। तो मैं वही रख रही थी और झाड़ू लगभग मेरा लग ही चुका है, तो आगे देखते रहिएगा वीडियो को। तो देखिए मेरा अंदर झाड़ू लग चुका है और रसोई का कमरा भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, छोटा छोटा ही है ना कमरा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो झाड़ू लगा दिया है तीनों कमरों को और छोटा सा बरामदा को भी, और अभी ये जो छोटा सा आंगन है इसको मैं भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। कल शाम को ही मैंने अच्छे से लगा दिया था पर अभी फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, और गंदा नहीं भी हो ना फिर भी सुबह तो झाड़ू वगैरह लगाना ही पड़ता है, पानी छिड़कना पड़ता है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और लगभग हो ही गया, छोटा सा ही है था, और उधर रास्ते में भी थोड़ा झाड़ू लगाना है क्योंकि पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं। तो देखिए मेरा झाड़ू लग चुका था और मैं पानी लेके जा रही हूँ क्योंकि रास्ता में डालना है, और उसके बाद हो जाएगा मेरा लगभग आधा काम हो जाएगा, बर्तन वगैरह धोना है। और देखिए साइकिल को वहाँ पे रख दिया था, तो साइकिल है ना तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मुझे वहाँ पे पानी गर्म करना है, और इसीलिए मैंने साइकिल को निकाल के ना साइड पे रख दिया ताकि दिक्कत ना हो। पानी गर्म करने का जगह देखा ही है आप सबने, छोटा सा ही है तो इसीलिए। और अभी गंदे बर्तनों को मैंने यहाँ पे रख दिया था धोने के लिए, तो यहीं से ले जाके गंदे बर्तनों को रख दूँगी, और ये छिलके वगैरह थे सब्जियों के वो मैं जमा करके रख देती हूँ, पौधों में डाल देती हूँ फिर उसके पानी को, तो वही पानी वगैरह लेके जाले जाके वहाँ रख दे रही थी। और वो चाय मतलब चाय पत्ती जो रह जाता है ना, जो मतलब पूरे दिन का जो रह जाता है चाय पत्ती चाय बनाने का, वो चाय पत्ती और वो सॉस पैन में को मैं पानी में डाल के रख देती हूँ, फिर वो जो पानी और चाय पत्ती बच जाता है वो मैं जमा करके रख देती हूँ वही छिलकों में, तो मतलब अच्छा सा खाद बन जाता है वो। फूल के एक दो पौधे हैं ना वो वैसे तो रहता नहीं है, बकरी खा लेता है, तो वहीं पे मैं डाल देती हूँ, तो ये सब डालने से मतलब अच्छा होता है ग्रोथ। तो अभी बर्तनों को भी मैं ले जा रही हूँ धोने के लिए, तो बहुत दूर हो जाता है ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो अभी बर्तनों को ले जा रही हूँ फिर धोऊँगी।
और देखिए बर्तन धुल गए थे तो ला के यहीं पे रख दिया है। अंदर ले जाऊंगी, थोड़ा मतलब पानी निकल जाए बर्तनों का, सूख जाए तो ले जाऊंगी। और ये मुर्गियाँ देखिए कितना परेशान करते हैं, मतलब हमारा तो नहीं है, मैंने तो अपनी मुर्गियों को बेच दिया। ये बहुत गंदा करता है ना मुर्गियाँ, और कहीं भी गंदगी कर देते हैं और अंदर आ जाते हैं, मतलब बहुत ही परेशान कर देता है। और पाही खेलती रहती है ना, तो वो बड़े बड़े मुर्गी हैं ना, वो मतलब ऐसे आ जाते हैं लड़ाई करते करते, बड़ा बड़ा मुर्गी होता है ना, तो वो डर जाती है और ऐसे ही बहुत गंदा करती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है। तो क्या करें, दूसरे का मुर्गी भी आज के बहुत परेशान करते हैं। और आजकल मतलब ऐसा हाल है कि लोगों को कुछ अच्छे के लिए भी अगर हम कहें ना, तो लोग उल्टा ही समझते हैं, और फिर मतलब ज़्यादा अब क्या बताएं, मतलब हर लोग अच्छे नहीं होते ना, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो कुछ अगर अच्छे के लिए भी हम कहें ना, तो लोग मतलब उल्टा ही समझते हैं, तो फिर क्या करें, अभी झेलना पड़ता है, अभी क्या करें। तो मेरे बर्तन धुल गए थे और मैंने गर्म करने के लिए पानी भी ले आई थी मैं, तो अभी देखते रहिए वीडियो को। मैं और भी बहुत ज़्यादा, अभी तो सुबह का शुरुआत ही है, तो थोड़ा बहुत सुबह का काम ही हो रहा है एक दो, तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए। मुनु उठिले उठिले मुनु, गुड मॉर्निंग कह दे। गुड मॉर्निंग। और देखिए लगभग मैं अभी आ गई हूँ, तो गैस को अच्छे से पोंछ लेते हैं, उसके बाद चाय बनाऊँगी, फिर नाश्ता वगैरह बनाना होगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 8 बज गया है, और अभी ध्रुव स्कूल भी जाएगा, तो नाश्ता बना देना है, वह नाश्ता वगैरह बना दूँगी, तो चाय बनाऊँगी फिर नाश्ता, देखती हूँ क्या होता है क्या बनता है। तो फिर देखते रहिए वीडियो को। मेरा गैस लगभग पोंछ के हो ही गया है, और मैंने धो देती हूँ, मैं हफ्ता 15 दिन में धो देती हूँ गैस को बाहर निकाल के अच्छे से, पर अभी नहीं धोना हो पा रहा है, हो गया कुछ दिन, तो किसी दिन फिर निकाल के धो दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा दाग वगैरह हो जाता है, तो मैं ऐसे रोज़ रोज़ ऐसे पोंछ देती हूँ, तो किसी दिन निकाल के धोना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी ना, फिर मतलब मुझे ही दिक्कत होगा साफ़ करने में। तो अभी मेरा गैस पोंछ के हो गया है, अभी मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो देखिए अभी दोपहर हो गया, दोपहर तो नहीं हो गया है, सुबह 10 ऐसे ही 10:30 या 11 हो गया होगा। तो अभी मुझे कपड़े धोना और नहाना बाकी है, तो अभी सोचा कि पहले बालों में ना अच्छे से तेल लगा के मसाज कर लेती हूँ, सिर में दर्द हो रहा था, तो अच्छे से तेल लगा लेती हूँ, फिर मसाज करके फिर बालों को धो दूँगी। तो देखिए बाल मैंने ना कंघी नहीं किया था, तो कैसे हो गया है, उलझ गया है ना मेरे बाल, तो अभी सोचा अच्छे से तेल लगा देती हूँ और फिर जल्दी जल्दी मतलब कंघी कर भी लेती हूँ ना, फिर भी उलझ ही जाता है, क्योंकि मैं जूड़ा बना के रखती हूँ और बार बार खुल जाता है ना, तो बार बार ऐसे बिना कंघी, एक बार ही कंघी कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ ना, तो फिर उलझ जाता है। तो सोचा कि अच्छे से तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद ही शैम्पू लगा के अच्छे से धो दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा वीडियो को, आज का वीडियो मैं ये एंड करती हूँ, क्योंकि अभी और सारा काम भी है।